Hey what's up guys, this is Abhishek. आज की इस वीडियो में हम करेंगे कंपैरिजन OnePlus Nord और Mi 10i का जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ है, कल ही लॉन्च हुआ है Amazon पे और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव प्राइसिंग पर रखा है. बोल सकते हैं कि एक मिड रेंज अपर मिड रेंज किलर है यहाँ पे OnePlus Nord को कड़ी टक्कर दे रहा है. 20,000 से 30,000 रुपये का जो रेंज था, फिर 25,000 से 30,000 रुपये का जो रेंज था फ्रेंड्स, उसमें OnePlus Nord ने ऐसी जगह जमाई थी कि कोई भी स्मार्टफोन उसे टक्कर ही नहीं दे पा रहा था. एक ही कंपनी दे पाती थी, वो थी MI की कंपनी या फिर Xiaomi ही. तो Xiaomi का जो Mi 10i आया है वो बहुत ही बेहतरीन स्पेसिफिकेशन फीचर्स के साथ आया है. तो आज की इस वीडियो में देखेंगे कंपैरिजन Mi 10i और OnePlus Nord का, क्या दोनों स्मार्टफोन एक टक्कर का फ़ोन है या फिर कौन सा फ़ोन आगे निकलता है, कौन सा फ़ोन आपको लेना चाहिए, स्ट्रेट आउट मैं बताऊंगा इस वीडियो में. तो वीडियो को एंड तक देखना और एम करता है मैं इस वीडियो पे कम से कम 49 लाइक्स की. तो आई होप आप लोग 49 लाइक्स कर दोगे और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना. जैसे कि बताया फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में करेंगे कंपैरिजन OnePlus Nord और Mi 10i. सबसे पहले हम बात करते हैं OnePlus Nord की. तो 6.44 इंचेस का फुल HD सुपर AMOLED स्क्रीन देखने को मिलता है. 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, डुअल पंच होल के साथ आता है. जो डिस्प्ले साइज है वो अच्छा खासा है, वन हैंड यूसेज के हिसाब से बहुत ही अच्छा है. वहीं Mi 10i की बात करूँ तो फ्रेंड्स, ये आता है 6.67 इंचेस का फुल HD बट IPS पैनल वाला स्क्रीन देखने को मिलता है. 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट जाता है और सिंगल पंच होल के साथ यहाँ पे आता है. देखो अब डिस्प्ले की बात की जाए ना यहाँ पे फ्रेंड्स, स्ट्रेट आउट में बता दो, देखो थोड़ा सा बड़ा डिस्प्ले है ऑब्वियसली Mi 10i का, तो अच्छा थोड़ा सा हल्का सा बोल सकते कि मीडिया कंजम्पशन में अच्छा मिलेगा. बाकी अगर मतलब प्रैक्टिकली बात किया जाए यहाँ पे, तो फोन का जो डिस्प्ले है वो OnePlus Nord का अच्छा है क्योंकि सुपर AMOLED स्क्रीन देखने को मिलता है. तो पिक्सल्स बहुत ही अच्छे मिलेंगे एज कम्पेयर टू IPS पैनल. और देखो यार, बोलने की बात रहती है कि फुल सुपर AMOLED IPS में उतना फ़र्क नहीं पता चलता है. फ़र्क पता चलता है अगर आप एक AMOLED डिस्प्ले यूज़ करो और IPS यूज़ कर लीजिए, आपको फ़र्क पता चल जाएगा, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ. तो सुपर AMOLED स्क्रीन यहाँ पे क्लियरली विनर है OnePlus Nord का साथ में, क्योंकि डुअल पंच होल भी देखने को मिलता है, यहाँ पे सिंगल पंच होल आता है. बस ये है कि रिफ्रेश रेट का फ़र्क है, 120 हर्ट्ज़ का Mi 10i में देखने को मिलता है, Nord में 90 हर्ट्ज़ का ही जाता है. तो ये बोल सकते हैं मतलब देखो, अब रिफ्रेश रेट की बात करो ना फ्रेंड्स, वो भी पता चलता है अगर आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं परफॉर्मेंस वाइज, UI वाइज यूज़ कर रहे हैं ना फ्रेंड्स. तो कभी कभी आप लोगों को जो सैम्पलिंग रेट है या फिर जो आप लोगों को रिस्पॉन्स है, टच रिस्पॉन्स, वो पता चलता है. अगर 120 हर्ट्ज़ रहता है ना, वो लिटरली फास्ट रहता है और बहुत ही स्मूथ निकलता है. वहीं 60 की बात की जाए, 90 तो एक बार के लिए ठीक है, चलिए 60 हर्ट्ज़ में पता चलता है कि भाई थोड़ा धीरे मूव कर रहा है. तो वहाँ पे रिफ्रेश रेट की बात करें तो 120 हर्ट्ज़ का यहाँ पे ठीक मिलता है, बट ओवरऑल डिस्प्ले की बात करें तो Nord यहाँ पे विनर है. अब बात करते हैं प्रोसेसर की, तो OnePlus Nord में मिलता है स्नैपड्रैगन 765G जो कि 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी में बनाया गया है. कायरो के ही प्रोसेस कोर्स यहाँ पे लगाया गया है. और वहीं बात करूँ यहाँ पे Mi 10i में, तो यहाँ पे मिलता है स्नैपड्रैगन 750G, ये 8 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी बनाया गया. देखो ओवरऑल स्ट्रेट आउट बात किया जाए तो दोनों का ही परफॉर्मेंस लगभग सेम है फ्रेंड्स यहाँ पे. मतलब मैं झूठ नहीं बोलूँगा, बहुत लोग ने आप लोगों को बोला है कि 765 बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है, 750 थोड़ा सा कम है. ऐसा नहीं है, लगभग इक्वल ही परफॉर्मेंस आप लोगों को यहाँ पे दे देगा. हाँ ये है कि ये 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी में बनाया गया है और स्नैपड्रैगन 750G 8 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी में बनाया गया, तो बैटरी एफिशिएंट हल्का सा बोल सकते हैं. बाकी परफॉर्मेंस में ऐसा कोई ड्रास्टिक आप लोगों को कोई मतलब ये चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा कि स्नैपड्रैगन 750G कम परफॉर्मेंस दे रहा है, वो भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस देगा. बाकी रैम 6GB 8GB 64 128GB तक का और 8GB मतलब 64 6128 और 8128 देखने को मिलेगा तीनों ही स्मार्टफोन में आप लोगों को यहाँ पे. बाकी OnePlus का खुद का UI ऑक्सीजन OS देखने को मिलता है जो कि बहुत ही क्लीन, बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा रहता है. वहीं MIUI का उनका खुद का UI स्किन देखने को मिलेगा जो कि Nord ये बोल सकते ऑक्सीजन OS से तो काफ़ी ही नीचे है. यहाँ पे ऑक्सीजन OS वन ऑफ द बेस्ट UI मुझे यहाँ पे लगा है. बाकी एंड्रॉयड 10 पे दोनों ही काम करते हैं. अब बात आती है कैमरा की, तो Mi 10i में मिलता है चार कैमरा, 108 मेगापिक्सल का ISOCELL HM2 सेंसर सैमसंग का देखने को मिलता है जो कि 9 पिक्सल कंबाइन होकर 1 पिक्सल बनाते हैं. अल्टीमेट 108 ही है बट 9 पिक्सल का यहाँ पे कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है. बाकी एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड 2 मेगापिक्सल मैक्रो डेप्थ सेंसर. और वहीं बात की जाए Nord की, तो वहाँ पे मिलता है 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर आप लोग को देखने को मिलेगा. ये कुछ इस तरीके से कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है. तो ऑन पेपर के हिसाब से बात की जाए तो यहाँ पे Mi 10i का कैमरा क्लियरली विनर है. 108 मेगापिक्सल का अच्छा खासा सेंसर देखने को मिलता है, बड़ा सेंसर भी है यहाँ पे. फ्रंट कैमरा की बात करूँ तो Mi 10i का 16 मेगापिक्सल ही मिलता है, वही Nord का 32+8 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है.
तो यहाँ पे फ्रंट कैमरा में नॉर्ड को हम विनर घोषित करेंगे। बाकी बैटरी की बात करें तो नॉर्ड में मिलता है 4115 mAh का बैटरी बैकअप विद 30T वॉप चार्ज सपोर्ट, और मी 10i में मिलता है 4820 mAh विद 33W के यहाँ पे अडेप्टर के साथ यहाँ पे देखने को मिलता है। तो बैटरी में यहाँ पे बैटरी ज़्यादा है यहाँ पे मी 10i का, साथ ही में फास्ट चार्जिंग भी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वन प्लस नॉर्ड के हिसाब से। बाकी ओवरऑल साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर इसमें देखने को मिलता है ये मी 10i में, वन प्लस नॉर्ड में इन डिस्प्ले। बाकी मतलब देखो कॉम्बिनेशन की बात करें फिर प्राइसिंग की बात करें कि कौन सा लेना चाहिए, तो जो वन प्लस नॉर्ड है वो 664 चालू होता है 25,000 रुपये में, और ये बात करूँ मी 10i की तो 664 बेस वेरिएंट कुछ 21,000 रुपये में चालू होता है। तो 4,000 रुपये का यहाँ पे फर्क देखने को मिलता है नॉर्ड और मी 10i में यहाँ पे। तो ये देख लीजिए 4,000 रुपये के गैप में आपको क्या देखने को, अगर आप वन प्लस नॉर्ड जाते हैं तो 4,000 रुपये आप एक्स्ट्रा डाल के आपको एमोलेड मिल रहा है स्क्रीन, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे जो बोल सकते हैं कि UI मिलने वाला है वो अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, परफॉर्मेंस अच्छा खासा देखने को मिलने वाला है। बाकी अगर आप मी 10i लेते हैं तो वहाँ पे आप लोगों को कैमरा बैटरी यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। बाकी ओवरऑल दोनों ही फ़ोन अच्छा है मेरे हिसाब से, अगर आपको लेना चाहिए तो। अगर आप लोगों को यहाँ पे एक क्लीन फ़ोन चाहिए ना यार फ्रेंड्स, कोई झंझट नहीं चाहिए तो वन प्लस नॉर्ड ले लो। बाकी एक मतलब बेस्ट स्मार्टफोन चाहिए कम पैसे में तो मी 10i के लिए आप जा सकते हैं, और 4,000 रुपये भी आपके बच सकते हैं। तो मेरे हिसाब से मी 10i के लिए आप लोग जाइए। बाकी जैसे कि मतलब आप क्लीन स्मार्टफोन चाहिए और बजट का उतना कोई कंस्ट्रेंट नहीं है कि ये कि बस अच्छा ही चाहिए, ये ऐसा नहीं है कि लो बजट है कि यार कम बजट वाला नहीं चाहिए, वैसा नहीं है। ठीक है कम बजट वाला भी अगर अच्छा है तो भी चाहिए, या फिर ज़्यादा बजट वाला अच्छा है तो वन प्लस नॉर्ड के लिए आप जा सकते हैं। बाकी यही है वन प्लस नॉर्ड और मी 10i के ऊपर वीडियो। आप बताओ कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में। जैसे मतलब 49 लाइक्स का टारगेट है आप लोग कर दोगे, और इस वीडियो कर दो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब बन रहे चैनल के साथ। बोल जय हिंद।